तो दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के जो राइट नंबर की है वो काम नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो को देखकर आप बहुत आसान तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड का ये जो नंबर की काम ना करने का जब प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर एक कंप्यूटर यूज़र को कभी ना कभी इसको फेस करना ही पड़ता है। तो अगर आपके कीबोर्ड में भी ये प्रॉब्लम अभी है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, खास करके अगर आप विंडोज़ 10 कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत सी वजह से हो सकता है। हार्डवेयर के प्रॉब्लम भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर हार्डवेयर के कारण ये हो रहा है तो आपको कीबोर्ड चेंज करना होगा, या फिर इसको आपको खोलकर ठीक करना होगा, वो प्रोसेस थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर के कारण ये हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखकर इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, मेरे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ऑफिस वर्ड को ओपन कर लिया है। अभी मैं अपने कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड का जो नंबर की है, अभी आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर इधर लिख ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्रॉब्लम ये है कि मेरे नंबर की अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? मेरे कंप्यूटर में अभी आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 है। तो सिंपली मैं इस काम को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है उसको अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना होगा। तो विंडोज़ 10 में सेटिंग्स पर जाने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ऊपर जो नोटिफिकेशन बार है इस पर आप क्लिक करके, वर्ल्ड सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो करना होगा, आपको ये जो ऑप्शन है ईज़ ऑफ एक्सेस, इस जो टैब है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ईज़ ऑफ एक्सेस खुल जाएगा। तो आपको एक इधर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको एकदम नीचे या फिर आपको ऊपर भी मिल सकता है। आपको बेसिकली ये जो माउस का ऑप्शन है, आपको इस माउस ऑप्शन पर जाना होगा। माउस ऑप्शन पर जाने के बाद इधर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पहला जो ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल योर माउस विथ ए कीबोर्ड। तो आप देखेंगे टर्न ऑन माउस की विथ टू यूज़ द नंबर की टू मूव द माउस पॉइंटर, ठीक है। तो आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा, इस ये अगर वन होगा तो आपका जो है कीबोर्ड का राइट साइड का जो नंबर की है वो काम नहीं करेगा। अगर ये ऑप्शन आपका वन है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब भी आप इसको ऑफ करेंगे तो आपका नंबर की काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इसको ऑफ कर दीजिए इस तरह। अब चलिए हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं कि हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं। अभी मैं प्रेस कर रहा हूं, अभी आप देख सकते हैं हमारा नंबर की जो है वो काम कर रहा है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो मेरे जो प्रॉब्लम था वो था कि मेरा ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑन था, इसलिए मेरा जो है नंबर की काम नहीं कर रहा था। तो अगर आपके कंप्यूटर में भी ये ऑप्शन ऑन है तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आप विंडोज़ 7 यूज करते हैं तो आप इस ऑप्शन को कैसे ऑफ करेंगे, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आप विंडोज़ 7 यूज कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में ये काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल पर जाना होगा। कंट्रोल पैनल पर जाने के लिए आप विंडोज़ 7 से डायरेक्टली स्टार्ट बटन के आपको बगल में ही एक कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। तो कंट्रोल पैनल में जब भी आप जाएंगे तो आपके विंडोज़ 7 में भी इस तरह का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको व्यू मोड से लार्ज आइकन को सिलेक्ट कर लेना होगा इस तरह। उसके बाद आपको जो ये ऑप्शन है एक्सेस सेंटर, आपको सेम इसी पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद आपको आपके सामने जो है एज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन हो जाएगा। तो इधर से आपको मेक द माउस ऑप्शन है, इस पर आपको जाना होगा। इस पर जाने के बाद ये जो ऑप्शन है कंट्रोल द माउस विद कीबोर्ड, अगर ये इस तरह ऑन है, चेक मार्क है, टिक मार्क है, तो आपको इसको उठा देना होगा। उसके बाद अप्लाई करके ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगर ये
ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके कीबोर्ड में दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर ये टिक मार्क इधर इस तरह है तो आपको इसको उठाकर इसको अप्लाई करते ही आपका कीबोर्ड काम कर जाएगा। ऑलवेज कैन दिस तो फंक्शन। इस मेथड को फॉलो करके आप अपने विंडोज 7 और 10 का जो कीबोर्ड माउस जो राइट साइड का जो नंबर की है उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ये दोनों चीज़ ही सही है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी आप ऊपर देखेंगे कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एक नंबर लॉक बटन हुआ दिखा हुआ है, अगर वो नंबर लॉक बटन में ऊपर जो लाइट जल रहा होगा ग्रीन कलर का, अगर वो ग्रीन कलर का लाइट आपका वो नहीं है, वो ऑफ है, मतलब आपका नंबर लॉक हो चुका है, इसलिए आपका जी वो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर लॉक पर एक बार क्लिक कर दीजिए उस की पर, तो आपका जो है कीबोर्ड का जो ग्रीन जो लाइट है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद आप ट्राई कीजिए, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं नंबर लॉक कर दिया, अभी भी देखेंगे मैं टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में भी देख सकते हैं काम नहीं कर रहा है। अभी मैं अगर नंबर लॉक को ऑन कर देता हूँ आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो इसके कारण भी आपका जो राइट साइड का कीबोर्ड है वो जो नंबर की है वो काम नहीं कर सकता है। तो थर्ड जो मेथड है इसके लिए आपको, अगर ये आपकी प्रॉब्लम होता है तो सच में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम होता है तो ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको अपना कीबोर्ड रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरस के कारण, काफ़ी टाइम देखा जाता है कि वायरस के कारण भी कीबोर्ड का बहुत सारा की काम नहीं करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई ख़तरनाक वायरस घुस गया है तो उसके कारण से भी आपका ये लॉक जो है लॉक लग जाएगा और आपका जो ये की है ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आप कोई भी अच्छा सा एक एंटीवायरस, पेड एंटीवायरस जैसे कस्पर्सका हो गया, क्विक हेल हो गया, या बास्ट हो गया, कोई भी एक आप अच्छा सा एंटीवायरस यूज कर लीजिए। उसके बाद अपने कंप्यूटर को फुल स्कैन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको ट्राई कर सकते हैं तो उससे भी ठीक हो सकता है आपका नंबर की। लेकिन बेसिकली जो प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है वो आपका ये जो सेटिंग्स है इस सेटिंग्स को आप ऑफ कर दीजिएगा तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादातर यही होता है कि ये सेटिंग्स ऑन हो जाता है किसी कारण से, उसके बाद ये काम करना छोड़ देता है, तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो ये आपका लगभग 90% आपका जो कीबोर्ड का लॉक है वो छूट जाएगा।